हर सीजन को लेकर एक बार फिर ऑनलाइन कंपनियों के सामान खरीदने की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके कारण स्थानीय व्यापार में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी मामले को देखते हुए व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने ऑनलाइन कंपनियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। ऑनलाइन सामान जो आता है वो भ्रामक विज्ञापन आता है। एक बार 1 किलो माल देंगे, उसके बाद वजन कम कर देते हैं, तो उसके बाद 980 आ जाएगा, 900 ग्राम आ जाएगा, लेकिन ग्राहक जो है वो नहीं केयर कर पाता कि हमको माल सही मिल रहा है। खाली भ्रामक विज्ञापन चलता है, उससे सस्ता बाजार में मिलता है। वो लोग एक दो चीज को जो हाईलाइट करते हैं कि ये हम सस्ता दे रहे हैं, जैसे शक्कर सस्ती देंगे तो बाकी चीजों में चाय पत्ती मसाला वसाला में उनका रेट बाजार से 1.5 गुना ही रहेगा। खाली भ्रामक विज्ञापन करके ग्राहक को आकर्षित करते हैं और विज्ञापन में चलते हैं। आज अमेजन जैसी कंपनियां जिसको केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत नासूर बनते जा रहे हैं। छोटा व्यापारी इसके बोझ तले दब रहा है। हम लोग हर सेवा करते हैं, चाहे हर आदमी को सहयोग करते हैं, और आज GST से लेकर हर चीज अगर चोरी हो रही है तो अमेजान जैसे लोग कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश का भी अगर नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक बात को ध्यान देंगे कि अगर कोई आप चीज घर में मंगा रहे हैं, क्या आपने उससे बिल लिया है कि उसका जो टैक्स है GST है जो हम लोग आप लोगों से लेते हैं और बाकायदा सरकार को देते हैं, सरकार हमारे लिए सुख सुविधाएं हमें अपना देती है, क्या अमेजान देता है, कितनी चोरी करता है वो। इस में जो कंफ्यूजन की स्थिति है, सब जितने बड़े बड़े जो बिग बाजार टाइप या जिस प्रकार के जो लोग आ रहे हैं, अब उपभोक्ताओं को उनके ऊपर वैसे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जिस प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति होती है वजन में MRP को लेके ग्राहक कंफ्यूज होता है। बिलासपुर नगर निगम सरकार की